हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल शाह। आज मैं आपको कर्क राशि के जो जातक हैं उनका जो मुख्य जो ग्रह होता है वो चंद्र होता है, उनके बारे में बताऊंगी। 15 अगस्त से 31 अगस्त तक, यानी कि हाफ ऑफ द मंथ उनका कैसे रहने वाला है। अपने कार्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 15 अगस्त से 31 अगस्त तक, यानी कि हाफ ऑफ द मंथ उनका कैसे रहने वाला है, उनकी मैरिज लाइफ, उनकी हेल्थ, उनका फाइनेंशियल कैसा चलेगा, ये सब कुछ मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं, कैंसर राशि के लोग, उनका कैसे जाने वाला है ये 15 अगस्त से 31 अगस्त तक। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इसका ये मतलब है कि आप अपने जो भी काम शुरू करने वाले हैं कर्क राशि वाले, वो जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें। और कई सारे ऑप्शंस उनके माइंड में अभी घूम रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बिजनेस भी करना है या मुझे नौकरी के लिए अप्लाई करना है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी कि आपकी किस्मत जो है वो कई ब्रांचेस में खुल रही है, कई सारी फील्ड में आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, बिजनेस है या कहीं नौकरी पेशा है, कुछ भी अपने हिसाब से। और इसमें आप काफ़ी पैसा कमाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये कार्ड सीधा आया है, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल होंगे, जो भी आप करने वाले हैं उसको जल्द से जल्द करिए कर्क राशि वाले। और जो भी आप काम करेंगे वो आपको अकेले करना है, एक राजा की तरह प्लान करके चलना है, सारे रूल्स बनाने हैं, सक्सेसफुल होंगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अकेले काम करना है और प्लानिंग करके अपने रूल्स बना करके तब आप अपना काम शुरू करेंगे। अकेले करिएगा, किसी और का साथ नहीं आपको लेना है। जो भी है अपने दम पे काम करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस आपके माइंड में घूम रहे हैं। इसमें ये वाला कार्ड उल्टा आया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लिए जो भी ऑप्शंस आप लेके चल रहे हैं उसमें बिजनेस में पैसा बहुत ही जो है, बिजनेस में पैसा अगर लगा रहे हैं तो बहुत संभल के चलिएगा, क्योंकि इस वक्त पैसे की थोड़ी सी तंगी इसमें दिखा रहा है। और कोई जना ऐसा, कई सारे लोग हैं जो कि पीछे छूरा भोकने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप लोगों की मैरिज लाइफ के लिए अगर मैं कार्ड से बोलूँगी कि मैरिज लाइफ का बताएं कर्क राशि का, ये तो आपके करियर का था, जो करियर फाइनेंशियल जैसे कुछ भी हुआ था उसके लिए क्या करना है। ये देखिए एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स का आया है, दैट मीन्स कि आप बहुत ही अभी कुछ सोच रहे हैं अपने माइंड में कि मैं किसी तरीके से विक्ट्री पाऊँ अपने काम में, अपने काम में मतलब मैं फ्री होकर के काम करूँ, वो जो भी आपका माइंड आपके माइंड में आ रहा हो। और जब बहुत आपको इसमें काफ़ी अच्छे से आपको पैसा मिलने वाला है जो भी आप सोच रहे हैं। और अगर मैं फैमिली लाइफ की अगर आपकी बात करूं, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ डिपेंडेंट है इन्हीं जो आप प्लान करके चलेंगे अपना बिजनेस, क्योंकि फाइनेंशियली आपका तो एकदम ठीक ठाक दिखा रहा है, एकदम पॉजिटिव जा रहा है जो भी आप नया काम बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन इसमें आप अपनी फैमिली को जो है वो आपकी सपोर्ट काफ़ी मिलेगा अगर आप अपना अच्छे से अगर काम करेंगे। बहुत ज़्यादा बांध नहीं पाएगा कोई भी जना, ये भी कार्ड उल्टा आया है। देखिए शॉर्ट्स बना हुआ है, उल्टा आया हुआ है, एक व्यक्ति जो उसमें बंधा हुआ है शॉर्ट्स में, कोई जना आपको ज़्यादा बांध नहीं पाएगा। कोशिश बहुत करेंगे लोग बांधने की आपको, लेकिन कर नहीं पाएंगे। अब वो कौन लोग हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों या कोई आसपास के कोई हो। इसमें मैं और देखना चाहूँगी कि मैसेज क्या है आपके लिए एंजल्स से,
मैसेज में अगर बात करूं, आपके पास इतना काम आएगा, अभी इतने ऑप्शंस आएंगे कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा किसी भी तरीके का अफेयर करने का, या फिर कोई किसी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए भी हम सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए अपनों से। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि सारी अगर आप कपल्स हैं तो कपल्स में ये मैं ये एडवाइस दूंगी कि वो अपनी फैमिली की ओर जो है वो ध्यान तो दें, लेकिन फाइनेंशियली आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं करियर बनाने के लिए। फाइनेंशियली आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए 10 स्टार का कार्ड आया है, ये इसका मतलब ये हो कई सारे देखिए पैसा दिख रहा है आपको, ऑप्शन हैं कई सारे, आपको विक्ट्री मिलेगी। तो कर्क राशि के लिए ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे वो बिजनेस कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, फैमिली लाइफ भी उनकी उसी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ में एक बार पूछना चाहूँगी कि हेल्थ कैसी रहेगी आप लोग की, कर्क राशि वालों की 15 दिन के लिए। हेल्थ आप लोगों की, देखिए ये कार्ड उल्टा आया है, हेल्थ ठीक रहेगी आप लोगों की, कोई ऐसा बहुत लोग आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे, टेंशन काफ़ी मतलब आपके माइंड में टेंशन घूमती रहेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को आप खुद ही इतने बैलेंस फॉर्म में चलेंगे कि आप टेंशन आपके ऊपर आएगी ही नहीं, तो आपकी हेल्थ भी ठीक जाएगी। और इसमें जो ये वाला कार्ड आया है देख सकते हैं आप इसको, द एम्परर का उल्टा कार्ड आया है, यानी कि आप बहुत ही प्लान्ड वे में अपना जो है वो हेल्थ का ख्याल रखें, सवेरे उठ करके पानी पिएं, तांबे का पानी भी एक रूटीन बनाएं दिन भर का, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, ख़राब नहीं रहने वाली। लेकिन एक प्लान्ड वे में आप चलिए कि आपको डाइट क्या लेनी है, बैलेंस डाइट ही बनी कुछ भी, हेल्थ का इसमें कोई ऐसा इशू बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आ रहा है। एक और कार्ड आया है वो है एज ऑफ वर्ड्स का, यानी कि आपके पास अभी स्ट्रेंथ है कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ नया कुछ लेटर या बुक्स लिखने के लिए, जो लोग बुक्स लिखने में इंटरेस्टेड है कर्क राशि वाले उनके लिए समय बहुत अच्छा है, अपना मन लगा के काम करिए, बुक्स लिखिए, कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम है तो उसको शुरू कर दीजिए, कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है या कहीं टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो आप इसलिए समय इस वक्त अच्छा है इन लोग के लिए, कर्क राशि के लिए। ओवरऑल मैं कहूँगी तो इनका बहुत ही बैलेंस फॉर्म में है कर्क राशि वालों का, और इनको यही कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने हेल्थ का ये ख्याल रखें, कोई जगह हो सकता है जो पीठ पीछे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करे लेकिन कर नहीं पाएगा, नुकसान नहीं कर पाएगा। आप अपना अपना करियर पे ध्यान दीजिए और अपने ऑप्शंस, इसमें मेन इसमें कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने ऑप्शंस जो है बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे विकल्प आएंगे काम करने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स।